दीदी। दीदी कहाँ गई? अब हाँ करण, करण लता दीदी घर में नहीं है और हम नहीं जानते वो कहाँ है। चली गई, मैं देखता हूँ, तुम फिक्र मत करो। ए अब इसको क्या हो गया? हेलो दीप बोल रहा हूँ। हाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई। हाँ हाँ वहीं उसी रोड पे, आप प्लीज जल्दी से आ जाओ। हाँ ये तो लता जी है, वो यहाँ इस वक्त। ये कंफर्म हो गया है कि इनका रेप हो गया है। इनका मेरे पास बताना करण, मुझे रोकना मत, जो कुछ भी कर रही हूँ सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। नहीं दीदी ऐसा मत सोचिए, सब कुछ ठीक है। मेरी बात मत रोकिए इन्हें, ये जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ इससे बेहतर रास्ता और कोई हो ही नहीं सकता। ना रहेगी इनकी जिंदगी और ना रहेगी परेशानी, और कम से कम इनके खुदकुशी करने से ये उस जिल्लत से तो मुक्त हो जाए। मुझे नहीं पता, मुझे बस यही ठीक लग रहा है। ये क्या करने जा रही थी आप दीदी? किसी तरह से अपने परिवार के दुख और उनकी परेशानियों को कम करना चाहती थी। कैसे मान सकती है आप हार? और आपको क्या लगा आपके माँ बाप आपको खोकर खुश रहेंगे? लता जी इस वक्त आपके परिवार वालों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आपको संभालना है उन्हें। अगर आप में जिंदगी जीने की चाहत जागेगी, अगर आप बीती बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ उन लोगों को होगी। लता मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तू बेटा? हम बहुत घबरा गए थे। माँ जी दरअसल लता दीदी जो है वो खुदकुशी करने चली गई थी। दीदी को लगा कि उनकी वजह से आप सबको बहुत शर्मिंदगी होगी। क्या? और बस देव सही टाइम पे आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देव, आपने हमारी बेटी की जान बचा ली। वो लोकल नंबर मिल गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो इंस्पेक्टर। ओ मैडम कहाँ चली सुबह सुबह? अरे जाने देना, क्यों छेड़ रहे बेचारियों को? अरे यार क्या फर्क पड़ता है यार, जिनकी इज्जत पहले से। बकवास बंद करो। अब इज्जत इस शब्द का मतलब भी समझते हैं? इज्जत इज्जत होती तो अपने साथ कुछ होने देती, जरूर इसी ने कुछ। की छेड़ता है तू? अबे तेरे को प्रॉब्लम क्या है? अगर इनके बारे में एक लफ्ज भी निकाला ना तो इधर ही जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? माफी मांग। माफ कर दो मुझे। अरे क्या हुआ, क्यों लफड़ा कर रहे हो बस में? आइए हवलदार साहब, ये लड़की छेड़ रहे थे, समझा दिया मैंने। चलो मैंने नहीं छेड़ा।